कई बार मुक्त कराया इस धरती को। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, बहुल बार महदेवन दीनी। यह लिखते हैं तुलसीदास जी। हर अवतार ने एक बार मुक्ति कराई है मानवता को, इस धरती को आतताइयों से, तैचारियों से, लेकिन हमने उनको इष्ट इसलिए माना है कि उन्होंने कई बार मुक्ति कराई है। और भूख को हटाकर महिदेवन, भूख मतलब जब भूखा पान करने लगे थे राजा महाराजे, इस अत्याचारी होते जा रहे थे, सत्ता के मद में अत्याचारी हो चुके थे, उनको हटाकर और महिदेवन इस देश धरती पर देव स्वरूप जो लोग थे उनको धरती सौंपी। उन्होंने राज नहीं किया, वो तो वही सन्यासी था, मेरा इष्ट सन्यासी है, इसलिए हमने उनको इष्ट माना। और इसीलिए विप्र भी सत्ता की ओर नहीं, समाज की ओर बढ़ता है। और हमको उस गुण को साकार रखना चाहिए अपने अंदर, संस्कारों को जीवित रखना चाहिए। यही सच्ची उनके प्रति स्मरण होगा, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा यही होगी। मित्रों, बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, सब आपके बधाई, आप सब बधाई के पात्र हैं। इस टीम ने जो कार्यक्रम किया है, इस टीम ने लगन से, अभी नूतन जी बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने दिन प्रतिदिन इनकी कार्रवाइयों पर भी नजर रखी सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कितनी मेहनत की है और मेहनत का परिणाम दिख रहा है सामने। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा होगा, मातृशक्ति का सहयोग और युवा शक्ति की जोश, जोश के साथ होश, यानी ओम प्रकाश जी जैसे बुजुर्ग का यहाँ पर आशीर्वाद। और तभी सफलता का ये अध्याय मैं देख रहा हूँ फिरोजाबाद में जो लिखा जा रहा है। आप सबको इसके बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को स्मरण किया और आपका आदेश हुआ, मैं हाजिर हुआ। जब जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर रहूंगा। वैसे मैं जानता हूं कि हम असीजा जी और नूतन जी या दो ऐसी शक्ति हैं कि मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी जब ये बुलाएंगे, जब आप बुलाएंगे, हम हाजिर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ परशुराम जी के श्री चरणों में नमन करता हूं।